अजमेर विकास प्राधिकरण ने आज वार्ड नंबर 80 में स्थित चौधरी कॉलोनी और आरपीसी कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर स्थित अपनी भूमि से अवैध कब्जे को हटाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। अजमेर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार आबिद अली खान ने बताया कि यह भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण की है। नाले के पास यह अतिक्रमण कर कमरे का निर्माण भी कर लिया गया था, जिसकी सूचना पर आज कार्यवाही को अंजाम दिया गया और चार दीवारी तोड़ने के साथ ही कमरे को भी ध्वस्त किया गया है। इस मामले में विभाग की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। ये कचरा नंबर 23 है, थोक मालियान की भूमि है, इसकी नाला है, गेरू की नाला है और इसको पहले भी पाबंद किया गया था कि भी नाले के ऊपर ये अतिक्रमण नहीं करें और अभी माननीय हमारे कमिश्नर साहब का जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, गैरबूम के नाले पे जितने भी अतिक्रमण में आना सागर के पानी के बहाव में उनको सबको हटाया जाना है और इसी प्रोग्राम के तहत ये सब अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है और भविष्य में आगे जो भी नाले पर जब अवरोध है और इसके संदर्भ में पहले भी कॉलोनी वासियों द्वारा और अन्य कई जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी शिकायत की गई है। इस संदर्भ में एडीए प्रशासन द्वारा गोदरा साहब कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किनकी जमीन थी पहले, कौन ने कब्जे का रखा था? किसी की सरकारी जमीन है, नाला है, एडीए की जमीन है, सिवाय चेक से गैरबूम की नाला एडीए को ट्रांसफर हुआ। कौन सी जगह था? थोक मालियान में सर नंबर 23 है। आपका नाम? मेरा नाम आबिद अली खान, तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण